में थी अभी 15 दिन पहले, एक्चुअली गई थी काम से। तो अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ। तो मैं ऑफिशियली फिर स्टार्ट कर सकती हूँ, स्क्रीन दिख रहा है तो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम इंडिया ग्रीन्स पार्टी की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, और चूंकि ये वर्ल्ड रिवर्स डे भी है, तो हम ऑफकोर्स रिवर्स के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपर्ट है, जिनका की बहुत ही जो बायोग्राफी है, अगर आप देखेंगे उनके खुद के वेबसाइट में भी, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जीवित नदीम .org, तो आपको पता चलता है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने एजुकेशन और पैशन को साथ में लाके सोसाइटी के लिए काम कर सकता है। तो आज हमारे साथ है शैलजा देशपांडे जी, जो कि फाउंडर मेंबर और डायरेक्टर ऑफ जीवित नदी, लिविंग वाटर फाउंडेशन की बेसिकली लीडर हैं, और उन काफी सारे उन्होंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैंने भी एक्चुअली जब मुझे इनवाइट किया गया मॉडरेटर के लिए, तब मैंने उनके बारे में देखना शुरू किया। पहले जानती थी कि काफी एक्टिव हैं, ऐसे रिवर फाउंडेशंस और भी हैं इंडिया में अलग अलग नाम से, तो मैं शैलजा जी को पर्सनली नहीं जानती थी, तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं उनके काम को जानूं। तो थोड़ा सा एक मेरा इंट्रोडक्शन, मैं एक वाटर लर्नर हूँ, अर्बन लेक्स पे काम करती हूँ, अहमदाबाद बेस्ड हूँ, पर अभी रिसेंटली मैंने साकी वाटर्स एनजीओ हैदराबाद में ज्वाइन किया, और आज मैं आपसे हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरा अपना कंसल्टेंसी फर्म अहमदाबाद में है मेरे हस्बैंड के साथ, और हम इसमें एक छोटा सा नॉट फॉर प्रॉफिट फेलोशिप्स भी चलाते हैं। तो मेरे बारे में भी थोड़ा सा आपको दिख जाएगा मेरा काम मेरे वेबसाइट में। अब मैं आपको इंडिया ग्रीन्स पार्टी के थ्रू ले जाना चाहती हूँ, थोड़ा सा हम लोग का इंट्रोडक्शन के बाद। ये पार्टी मानसी एक जी, तरह आपका वो प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो रहा है, आपका से, अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा तो है। लोगों ने तो बोला शेयर हो रहा है। नहीं, नहीं, वी आर वो नॉट शायद, एबल टू सी इट। अच्छा, हाँ तो आई एम शेयरिंग इट। ओह सॉरी। हाँ, हैज ओके, कैन यू सी इट नाउ? नो, यस ओके, यस यस सॉरी, यस आई नाउ एम वी कैन सॉरी। सी आई इट। थिंक मैं एक्चुअली स्लाइड्स को ही बोल रही थी, तो मुझे मालूम नहीं था आप लोग को दिख नहीं रहा है। तो एनीवे, तो मैं शैलजा जी के बारे में आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ दिया है, पर मैं बाद में जब रिवर फाउंडेशन और रिवर वाटर डे के लिए बात करूंगी, तो मैं उस ज्यादा इस पे फोकस करूंगी। फिर थोड़ा मैंने अपने बारे में बताया। अब मैं आपको इंडिया ग्रीन्स पार्टी, जो कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और लेड बाय सुरेश जी हैं, और अनिता जी भी आज यहाँ पे हैं, तो पार्टी की एक फुल मेंबरशिप है एशिया एशिया पैसिफिक ग्रीन्स फेडरेशन में और ग्लोबल ग्रीन्स में भी। मैं उनसे अभी बहुत रिसेंट टाइम में मिली हूँ और जुड़ी हूँ, ये जानते हुए कि एनवायरनमेंट पे काम करती है। तो इनके बेसिक जो पिलर्स हैं ऑफ फोकस इज इकोलॉजिकल विजडम, सोशल जस्टिस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने बताया, फाउंडर प्रेसिडेंट सुरेश जी हैं, और सुरेश जी और अनीता जी मेरे यहाँ आए थे अहमदाबाद में, एक दोनों के ही बिजी शेड्यूल्स में से, और मेरा भी अपना एक बिजी शेड्यूल में, वी जस्ट हैड अ कप ऑफ टी, और शायद केमिस्ट्री बैठ गई, तो हम लोग तब से थोड़ा कुछ कुछ साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे मैटर्स पे आईजीपी ने अपनी पॉलिसीज ले डाउन की हुई है, मैं उनका वेबसाइट एड्रेस कॉन्स्टेंटली आपको लेफ्ट साइड पे बता रही हूँ। तो बहुत अगर आप देखेंगे एक एक मुद्दों पे जो उन्होंने लिस्ट डाउन किया, ओवर 20 मैटर्स फॉर दैट मैटर, उसपे डिटेल वर्कड आउट है ऑर्गेनाइजेशन की और पार्टी की अपनी पॉलिसीज। काफी मूविंग है, मैं ऐसा बोलूंगी, अगर आप उसको डिटेल में जाना चाहें तो कृपया जाएं। और एक्चुअली वेबिनार के पहले ही पार्टी वेबिनार, सॉरी, लॉकडाउन के पहले ही पार्टी वेबिनार्स कर रही थी, क्योंकि उनका ग्लोबल और एशिया लेवल पे भी नेटवर्क है, तो लॉकडाउन आने के बाद तो और भी किए हैं, पर उनके लिए बेसिकली ये नई बात नहीं थी, हम लोग काफी लोगों के लिए नई बात हुई कि वेबिनार करना है ये, और पर ये पहले से ही सोच रहे थे। इसका एक और मुद्दा ये भी है कि ये पहले से ही एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों जरूरी है एनवायरनमेंट के बारे में सोचना।
तो मेरा भी एक वेबिनार हुआ था, सुरेश जी ने मॉडरेट किया था, आज मैं मॉडरेट कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम, एक्चुअली लाइफ में फर्स्ट टाइम ही मॉडरेट कर रही हूँ, तो मेरी से मेरी गलतियाँ प्लीज माफ करिएगा, क्योंकि मैं स्पीकर रहती हूँ, आज मैं मॉडरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं कुछ वेबिनार्स के लिस्ट आपको बता रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि वेबिनार्स ऑर्गेनाइजेशन अरेंज कर रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैंने पानी पे बात किया था इसके पहले, इसके बाद कोविड समय पे काफी सारे ऑर्गेनाइज पैनल डिस्कशंस ऑर्गेनाइज किए हैं आईजीपी ने। तो एक बेसिकली सीरीज चल रहा है जहाँ पे थिंकर्स एंड इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट कुछ आपस में बात करके रास्ता निकालना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आती है बात आज रास्ता निकालने की, रिवर, क्योंकि रिवर अपने आप में फ्लोइंग है और उसका अपना रास्ता होता है। कहीं ना कहीं पिछले 100 सालों में इंसान ने रिवर का रास्ता अपना रास्ता के हिसाब से चलाने की शुरुआत की है, और वहां से काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन पे डिटेल पे नहीं जाऊंगी क्योंकि आज की स्पीकर हमारी शैलजा जी है। पर रिवर्स को हमने जो टेम करने की कोशिश की है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, और हमारे देश में भी हम काफी सारे रिवर्स पे बेसिकली अधिकार जता के कुछ और करना चाह रहे हैं जो रिवर शायद नहीं कहना चाह रहा है। तो इसमें आज मन की बात भी थी, तो सुबह तो वो मैंने सुना, मेरे कॉलिग से सुनवाया ताकि मैं कंफर्म रहूं कि मैंने सारी मन की बात सुनी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज स्टोरी टेलिंग की बात की, भगत सिंह की बात की, फार्मिंग एंड फार्मर्स बिल्स की बात की, गांधी के कदमों पे चलने की बात की, बहुत सारी बातें की जो कि बहुत सही है। पर सॉरी, उन्होंने रिवर के बारे में बात नहीं किया। तो मैंने सोचा है अगली बार से एक अच्छे सिटीजन की तरह मैं उनको हर एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज पे एक छोटा सा मैसेज और याद दिला दूंगी कि सर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, सर आज वर्ल्ड रिवर डे है, आज वर्ल्ड बर्डिंग डे है, आज वर्ल्ड वाटर डे है। तो शायद ये जरूरी है कि जब तक लीडरशिप, जब तक पॉलिटिकल विजन एनवायरनमेंट की तरफ नहीं होगा, वी आर नॉट हेडिंग एनीवेयर। तो इसलिए जरूरी है। तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है, और आप लोग भी प्लीज प्रॉमिस करिए अपने आप से कि हम अपने लीडर्स को याद दिलाएं एनवायरमेंट, ब्लू, ग्रीन, ये सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको दो थोड़ा दिल दहलाने वाले न्यूज देने वाली हूँ, 2 दिन के कंटिन्यूस न्यूज है। कल जिसको कि हम देखते हैं, यस्टरडे की बात कर रही हूँ, अहमदाबाद के न्यूज़पेपर में न्यूज था कि 2013 से 2019 तक की एक स्टडी है जिसमें कि 18.3% वाटर पोटेबल नहीं है जो सप्लाई किया जाता है। ये अहमदाबाद का न्यूज है। आज सुबह की न्यूज है अमेरिका से, टेक्सास की, जिसको कि हम एज अ मॉडल कंट्री देखते हैं और हर चीज हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये ना जानते हुए और ये ना समझते हुए, और ये लीडरशिप से ही आता है कि उनका लैंडस्केप, उनका कल्चर अलग है, हमारा लैंडस्केप, हमारा कल्चर अलग है। कई सारे हम सक्सेस और फेलियर से सीख सकते हैं पर कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पे आके मैं अलार्म इसलिए देना चाहती हूँ कि आज के न्यूज में टेक्सास के वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में एक ऐसा वायरस पाया गया है जिससे कि ब्रेन डैमेजिंग वायरस है। तो अभी तो हम कोविड से लड़ रहे हैं जो कि एयरबॉर्न वायरस है, तो वाटर में भी वायरस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, कोविड भी आइडेंटिफाइड है। आईआईटी गांधीनगर ने अहमदाबाद के वाटर से आइडेंटिफाई किया, पर वेस्ट वाटर से, और नेदरलैंड्स में भी आइडेंटिफाई किया गया था बिफोर कोविड। तो आज ये हम पहली बार, मैं न्यूज पढ़ रही हूँ एटलीस्ट, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे बताइएगा कि ड्रिंकिंग वाटर में ऐसा वायरस जो ब्रेन डैमेजिंग है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने वाटर बॉडीज के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। ये जो बदलाव लोगों में आएगा, उनमें से एक जो पिलर है हमारे देश में और एक्चुअली बात करती हैं और जो फाइट भी करती हैं फॉर द राइट्स ऑफ द रिवर, वो आज हमारे साथ है। और मैं इसके यह कह के एक्चुअली मैं अपना स्पीच रखूंगी अहमदाबाद के साथ। मैं उनको चाहूंगी कि वो एक छो दो लाइन बोल के शुरू करेंगे, क्योंकि मैं अहमदाबाद से हूँ, अभी रहती हूँ। तो अहमदाबाद जो एक नदी थी वो उसके बाद नाला बन गया, और उसके बाद उसमें नदी और नाले की जगह फ्रंट ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, जहाँ लोग, इंसान बेसिकली सभी इंसान के लिए ही बना है, जहाँ लोग मस्ती कर सके, जहाँ लोगों को देखने में सुंदर लगे। इकोसिस्टम क्या होगा
वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट क्या होगा वो पीछे रह गया है, मेरी आंखों में क्या सुंदर दिखना चाहिए, मुझे उस जमीन से कितना पैसा मिलना चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो फॉर पीपल तो बना है, पर इम्पोर्टेंट बात है कि फॉर प्लैनेट बना है कि नहीं। ये सारे मुद्दों पे मैंने तो एक्चुअली शैलजा जी के लिए बहुत सारे सवाल बना रखे हैं, पर मैंने वो इंट्रोडक्शन में थोड़े थोड़े पॉइंट्स डाल दिए। हेल्थ, इकोसिस्टम, पॉलिटिकल लीडरशिप, कहाँ पे उनका रोल है, और मैं इसके साथ ही मैं शैलजा जी को इनवाइट करती हूँ कि आज के स्पीच से हम लोग सबको थोड़ा और रास्ता दिखाएं और लड़ने के लिए थोड़ा और जज्बा बढ़ाएं हम। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू शैलजा। थैंक यू मानसी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से सब चीजें कही जो अभी वर्ल्ड ओवर में हो रही है। तो अभी थोड़ा अपने देश में भी आए और देखे कि अनीता जी, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन? यस, आई एम स्टॉपिंग। यस, यू मे शेयर नाउ। रिक्वेस्ट आ रही है पार्टिसिपेंट से कि थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके अगर बोले, क्योंकि हमारे साथ आज साउथ इंडिया से काफी लोग हैं जुड़े हुए। मैं ट्राई करूंगी हिंदी में भी बात करना, या ज्यादा आप अंग्रेजी में चाहेंगे? आई कैन स्पीक इन टोटल। आप मिक्स कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास में, दोनों ही भाषाओं के। Could you just allow me? Because I tried speaking more in Hindi actually. Okay. I'm not comfortable, but still. Wait a second. आपको share हो रहा है? Zoom share कर पा रहे हैं आप? I think I am able to share it. Let me just check it up. आपको tab change करना पड़ेगा. I have changed the tab. Are you able to see the slides? नहीं, actually हम लोग zoom वाला tab देख रहे हैं. मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने सवाल चैट बॉक्स पे रख दीजिएगा, ताकि मैं बाद में जब ज़ूम वाला देख रहे हैं क्या? वन सेकंड। हाँ, हम लोग ज़ूम देख रहे हैं शैलजा। वन सेकंड, लेट मी जस्ट, आई थिंक यू विल हैव टू अगेन अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। ओके ओके, इट इज डन। या, इट्स डन। ओके, ग्रेट। या, वी कैन सी यू शैलजा। या okay, so today now we are coming about Indian rivers problems and solutions. I will try to focus more on solutions and quickly go through the problems, simply because जो चीज नदियों के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। We basically, every individual is different. In the similar fashion, every living entity, which is a living river, we call it as a living, is different than the other. जैसे हम लोगों में diversity होती है, वैसे नदियों में भी diversity होती है। वो बहुत सारी चीजों के ऊपर depend करती है। हमारे भारत में तो दो broad categories में मैं divide करूँगी नदियों को, एक जो Himalayan rivers है और दूसरी peninsular rivers है। Peninsular rivers ज़्यादातर से mostly they flow from the western ghats. और उसमें वेस्टर्न घाट से फ्लो करने वाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है। तो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ लिविंग एंटिटी, उसका मतलब वो आदमी को या वो एंटिटी को जाने बगैर जो चीजें होती है वो बेसिकली इज द इश्यू हियर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिवर्स। तो आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी ब्रीफ फोटोज। इसमें आप देख रहे हैं, एक है मूठा सह्याद्री, विच इज इन पुणे सिटी वेर वी लिव, एंड अनदर इज गैंजेस एट द सोर्स इन हिमालयस। इफ यू सी दीज टू लुक डिफरेंट एट द सोर्स। इसमें मूठा इन सह्याद्री यू हैव अ यू शेप वैली यू, एंड गैंजेस इन हिमालय यू कैन सी इट्स अ वी शेप वैली। Now the reason is very, very obvious. The Sahyadri mountains or the western ghats are the matured mountains, so the scurrying of the river, when she scurs, she has scurred it many more of crores of years ago. And Himalayas are the youngest mountains of the world. They are still underdeveloped, they are still developing, and that's why we see so many problems with your hydro dams, anything, whatever is happening in Himalaya, may it be roads or whatever, it happens. Now, one thing is very clear, any source region, even if we know that it is in the mountains, it is always in form of springs.
It's a groundwater which makes the river as an origin. It is never a surface water, though the rivers are monsoon fed in peninsular rivers. So one, unless until you understand what is the status of the rivers, you cannot solve their problems. That's the focus which I'm going to deal with. So in source, if you have, I will broadly categorize the river, any single river, into three main parts. One, at the source, middle is a floodplain, and third is a mouth where she confluences with another river or she confluences with sea. So at every stage, again, she behaves differently. Even for Himalayan rivers, they will behave differently in their floodplains and source or confluences. And similar thing will happen with the peninsular rivers. Now, I'm focusing more on peninsular rivers because this is where more of my research or study or whatever has been done is more in the peninsular, and that too particularly in the east flowing rivers. I have worked more into that category. So monsoon fed rivers always go in base flows rest of the 8 months of the year, unlike the Himalayan rivers. Himalayan rivers are always broad. As against the peninsular rivers, they will go very small. Base flow is the groundwater. When the river is having a trickle into the flow of the water for peninsular rivers, it is always a groundwater. And only during the flood, she will have an overbank or bank full. Again, when she has a confluence with the oceans or seas, on the west coast, there are estuaries. And on the east coast, there are deltas. Deltas means the river bifurcates into many branches and creating more fertile lands. So the east coast is more fertile, whereas west coast is not fit for the agriculture. So when you start understanding the rivers, we should also understand how we have made the interventions in many ways. Now, siltation or sedimentation. In source region, you will see, which you also find it in Himalayan rivers or source regions of peninsular rivers, you will see huge amount of boulders or big rocks falling down. In the floodplain, she will have a sand-like sediment. And when she comes to the confluence or closer to the river, it will be a silt deposit. So wherever there is a problem, now about the sand, just now we got introduced with the Chhattisgarh gentleman. So unse main yahi bolna chahungi ki Mahanadi mein jyada se jyada problem hai ye sand deposit ka. That is one of the topmost issues of the in our country, ki Mahanadi mein jyada sand deposit hota hai, and mostly probably it is because of the tributaries mein mining chalu hai wahan pe. Iski wajah se wahan pe wo issue hota hai. तो मेरा कहना इतना ही है कि रिवर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो लोकलाइज होता नहीं है, उसका इम्पैक्ट और कहीं होता है. मीन्स इट कुड बी सोर्स रीजन और इट कुड बी इन द कॉन्फ्लुएंस रीजन, बट द इम्पैक्ट इज सीन समवेयर एल्स. सो एट द माउथ द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर वेरी डिफरेंट. एट द कॉन्फ्लुएंस देयर इज अ हाईएस्ट डिपोजिशन, लोएस्ट वेलोसिटी. And they are extremely diverse lands. As I told you, East Coast is more fertile, West Coast is more biodiverse. So the community living style also used to be once upon a time according to the ecological processes of that area, which is not happening. Now, because of the dam and everything, at the confluence, rivers are not meeting the sea. So the sea is ingressing, creating more saline lands around the, which ideally should be fertile with the silt. The land is becoming more saline. What are the solutions for the confluence? You will have to go for the ecological restoration of the lands around, where mangroves, growing the mangroves, the sensitive areas need to be protected. And you can start community-based tourism could be introduced, growing more, I think, mangrove forest also wherever possible. But there are very wonderful grasses and weeds which hold the sand. So sedimentation also could be controlled with these type of, you know, you may have to introduce these grasses and herbaceous plants which actually exist along the coastlines.
as I told you, the reasons, main reasons is no knowledge about the riverine ecosystem into the common man. There may be currently on this platform, there may be a lot of people who will be knowing more about the rivers, but generally in the common people, there is hardly any knowledge about the rivers. So there is no water literacy for surface as well as subsurface water. We don't know how the river flows, so we don't know how the river floods. We do not own the responsibility. And obviously policy and governance is major issue which India Greens Party must be knowing. There are no rules, regulations, laws, and enforcement of whatever the existing do not exist about the rivers. And that's why we have very huge problems. For a common person perspective, common person does not know where my water comes from and where my water goes. And that's why a lot of issues happen. I'm not going to stress about the dams because everybody on the group already knows what are the impacts of the dams. But I will go on the water treatment plant because after every dam, there are filtration plants in any city. What does this, how do they impact on our rivers? There are three types of chemicals which are used into the filtration plants is lime, alum and chlorine. Lime and alum is mined. We all know about the mining pollution. Nobody needs to talk about it. Chlorine has been proven carcinogenic element, which is harming our health and health of the water body also. So the pollution starts from the source itself when we say the purified water. And here I'm just giving you a word of caution, no matter whatever type of your water filter cannot treat the lime and alum or chlorine into your water filter. Whatever type of capacity the domestic filter is. I'm talking about the domestic filters. So symptoms of the dying river, I will broadly categorize into extraction, encroachments, and pollution. We all know these are the main problems of the river. Now I'm coming back to the river. Again towards the east flowing rivers, again I will focus on the Pune city as a case. We get four types of floods. So treatment of every flood is going to be different. And solution towards it also going to be different. Unless and until we understand what is the flow and what is the flood, we are not able to provide the solution. So I have identified those four type of floods. Flash floods we have, because we have a saucer shape all around is the Western Ghats, and the saucer shape where in the pediment zone of the river is the largest settlement which has happened into the Pune city. We also have six dams. So release of water through the dam also has overbank floods. Then there are runoffs because of excessive concretization and extremely poor drainage system in the city. Where does our water go? So this I got this map beautifully through Down to Earth. You can just go to Down to Earth and try to assess what type of pollution in our throughout our country and every state is having. And we are keeping quiet about it and we are not working or nobody is saying anything about the water pollution from the government or the policymakers or the implementers. Now I have come back again to my own responsibility as an individual responsibility, how much I am polluting this water. So right from starting from my toothpaste till my mosquito coil, how much are the chemicals I'm using on day-to-day basis is about 25 to 40 grams. Now this research was done by National Chemical Laboratory's senior scientist, Dr. P. Moghe. He is advisory to us on water pollution. We always take his advice. So if there are 40 grams of pollution, imagine a city like Pune who has 50 lakh of pollution, domestic pollutants which are coming untreated into river every day is 2 lakh kilo kgs. So you can calculate your city's pollution, domestic pollution. It comes to approximately 60 to 70% from our own homes. So
रोड मैप नाउ गोइंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस पार्ट ऑफ इट. वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स ऑफ अवर रिवर. वन आर प्राइमरी विच आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन यू हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रिवर. सेकेंडरी पीपल लाइक अस कॉमन पीपल, देन all other who are connected, who are doing dam controls or who are the water resource department or National Water Academy, Jala Shakti, and all those are secondary, which is a big chunk, and tertiary, which have purely commercial interests like HPC, riverfront development is another biggest threat which is happening, which will have purely a commercial interest, and there will not be any interest towards the river or reviving the river, and they are least bothered about the river. So whatever, whenever we try to create solutions, we need to create strategies as per the stakeholders. So the secondary stakeholders, I feel that is the biggest chunk which is there, which could be, if we give proper programs to them, they could be taken into as a public pressure groups. So the scientific and holistic approach, I feel it towards the solution is room for the river, which Manasi Thai madam just briefly mentioned into her initial introductory dialogue. So thank you very much. I have just elaborated how the room for river should be. So accept the water. With the climate change, there are going to be areas where there is going to be heavy flooding. There are going to be areas where there are going to be droughts. But if you have a heavy flooding, you cannot stop the water, so you accept. So let the city start accepting the water. So in policy, you have to create policy where you give space for the rivers. In planning, you should have a sponge city theme or a sponge village theme. And in enforcement, of course, you need to use water sensitive designs, whether it's for the urban areas or for the rural areas. I am not able to, one second, my sharing screen is stopped. I'm not able to go to my next screen. I'll just go back again because I don't know what is gone wrong. You may go back one slide behind and retry, or maybe restart, reshare. I will reshare. No, I don't know why it is blocked. There's some technical problem, Glesh. Please spare a few minutes for me. Yeah, we are all going through these kind of issues, so everybody. I know. Oh, Michael can help you. If you give him the remote control. Michael, can you do that? No, I think I will have to share because my one second. I think I am able to do that. Are you able to see? Yes. Yes, Shailaja, unfortunately, yeah, the slideshow is not happening. Probably it's a technical glitch from my side. So if you are able to read the slides, I think I will go with the slide type only. You may try to actually reduce the top bar. You can reduce the top bar. Yes. So thank you. In policy, as I said, there are there is no national water policy in place. River regulation authority has to come in force. We do not have definition for urban rivers. We do not have definition for rural rivers. The river, if needs to be have a policy, it has to have according, not as per the administrative zone, but as per the river zones. The correlation between the administrative zones and the river zones would be very important while creating the policy. And then Gram Panchayat at source region will have a different policy and Gram Panchayat downstream will have a different policy, in short. So what would be in the planning? Planning has to be for water security, water safety, water quality, and restoration of water bodies.
एंड एनफोर्समेंट विल ऑलवेज ऑफ कोर्स विल गो एज पर द प्लानिंग वॉट एवर इज देयर. सो पुणे केस स्टडी फॉर द अर्बन रिवर्स आई एम गोइंग टू डू एज आई सेड कि आई एम चूजिंग सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हियर जो बहुत सारी नंबर में है जिनको अवेयर करना जिनको अवेयरनेस दे के एक्टिवेट करना ये हमारा काम बनता है एज एन एनजीओ एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. सो व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस स्ट्रेटजीज वी रियलाइज दैट वी नीड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च. वी गॉट एसोसिएटेड विथ लॉट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कंपाइल द डेटा डॉक्यूमेंटेशंस प्रूफ्स ऑन फ्लड्स ड्राउट्स क्लाइमेट चेंज एंड ऑल. River ecosystem is our forte because we are part of ecological society. So almost all of us know the river ecosystem very well. Then, but we needed also, you need to have a holistic approach. So groundwater facts and water quality facts are also important. So once we knew that we needed to do this, and then we created the awareness campaigns. The first is for the commonest of the common people. Do rivers have to die for the cities? And we do not inherit earth from ancestors, we borrow it from our children. If we take this as a main basic motto, then we created river festival because India is a festival loving country. So Muthai River Festival is an annual festival. We have a different theme on the river. Then we created mobile exhibitions in the form of stories on the river, which can go into the schools, corporate sectors, colleges, because they can carry in two bags or we have PDF files for that, which they can screen. We started creating events by the river because we realized people are not going towards the river. No matter whatever reason, whenever we go to the river, we go there to impact. Whether it is for our immersions or for our rituals into our religion or whatever it is, we go there for impacting. We do not go to understand the river. So we started creating events by the river where you touch the cross section of society. Storytelling, puppet for the kids, then musical programs, classical music programs. We have a lot of friends along. अगर आपको योगा एक क्लास महीने का एक क्लास योगा क्लास आप नदी के ऊपर करो एक जुम्बा का क्लास आप नदी के ऊपर आके घाट के ऊपर करो. सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड कलेक्टिंग पीपल एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग इवेंट्स बाय द रिवर. सो व्हेन यू पीपल कम टू द रिवर देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रिवर. देन वी हैव रिवर वॉक्स एंड नेचर वॉक्स विच आर रेगुलर फीचर एवरी संडे वी हैव दिस वॉक वेर वी मेक द पीपल अंडरस्टैंड द रिवर एंड इकोसिस्टम हर आर्क्योलॉजिकल मीन्स वी ट्राई टू कोलेट एवरीथिंग राइट फ्रॉम द आर्क्योलॉजी एंशंट हिस्ट्री टू द करंट ट्रांसफॉर्मेशन. सो पीपल नो इन वन एंड अ हाफ आवर द वॉट द रिवर इज अबाउट. And if it is the same river which is giving me a water, that is the understanding the person at the end of the river walk takes, that 70% of the same river flows through my body. She is right here in my heart. And clean rivers, we created a program, toxin-free lifestyle. So during the COVID, this has become a very popular program because we tell from your own homes, from your own confinements, I can clean my rivers 60 to 70%. The way the domestic pollution is 60 to 70%, it's individual responsibility that the cleaning of the river from home without going to the river, without doing anything. Then at the source, what exactly should be the solution? First is obviously slowing the water on the slopes. So it has to be a combination of structured and non-structured formats, reducing the runoffs, slowing the water on the slope, increase the infiltration, permeable surfaces, and proportion of softscape and hardscape is very, very important. How do you do it? By creating close canopy of forest. Now, canopy doesn't mean just plantation. It depends on the strata of there. It could be just grasses. It could be just herbs or bushes or shrubbery. But whatever it is, something like a soil or sediment binder has to be there. If it is in the source region, there are mines. The restoration of mines becomes one of the important thing. And avoid any type of concrete and embankments along the riverbank, whether in any source region. Now we have associated research organization, as I told you,
the people who studied about the sub watershed. Now these sub watersheds, six sub watersheds are after the catchment area. So this is outside the catchment area. And the same area also has hillocks. If you see, the purple area are the actually recharge areas, groundwater. And to tell you one of the facts which many of you may be knowing or may not be knowing, that India is number one country of the world who extracts groundwater to the maximum without doing any recharge. And subsurface and surface water are part of the riverine ecosystem. We have to address the groundwater as well as the surface water. In floodplains, again, as I said, room for the river. So embankment, instead of that, you can create series of wetlands or permeable surfaces or creating bioswales or a riparian zone. A riparian zone, ripa means river forest. So creating a riparian has a peculiar species of the forest, which needs to be, which cannot be grown anywhere else. The riparian forest is a very specific to the river. So what could be done and what is correct and what is not correct is I'm giving the slides. More importantly, because of so many interventions, bank stabilization has become a major issue. Now, creating embankments usually is the easiest way people do, but instead of that, if you have a gradient slope and create some sort of a bank stabilization techniques with ecological material, that would be the right way to reduce the siltation. Now here again, I will tell you the silt deposits is more into the towards the confluence regions, but in Himalayan rivers, it will be a sediments. Boulders in form of boulders, and also you need to understand what type of erosion or deposition is happening along the river bank. Accordingly, the measures could be taken. And at mouth needs to have a buffer zone, because both the whether it is a stream or a river, they have the maximum reduced velocity. And they are going to surge. If the floods come, they are not going to grow with the speed. They are going to surge and spread. So if that creates a buffer zone, so more buffer zones at the confluences should be the way to address at the mouth. And some in urban areas, or what you can do into the institutional buildings, is rain gardens or having green roofs or vertical gardens. And if you have, let's say, congested places, this cylinder type of a rainwater harvesting tank also could be used. Along the footpath, you can have the same type of a bioswale using a different vegetation, local vegetation, which will filter the water and reaches. So simultaneously, you are reducing the runoff and you are also treating the water to increase the water quality. So these type of water sensitive urban solutions could be again discussed, but again, as I said, it has to be customized. Every river is different. Everything what she does is differently. You cannot have SOPs for any river. The way it's like saying, you know, ki 10 aadmi log ek doctor ke paas headache ke liye jaate hain aur sabko ek medicine nahi milta hai. It's the same way. You have to treat every river differently as per the individuality. And we are doing these sessions of toxin-free lifestyle, which, as I mentioned you, I would urge and request all of you to go on our website and visit the page of toxin-free lifestyle. Start using as many as biodegradable and natural material, which you can for your day-to-day use, other than refusing certain chemicals. Means if I say from today, I'm going to refuse all toxic decorative chemicals. I cannot stop chemicals because I need medicines, but I can stop decorative chemicals which are really not required for me. So I have come to the end of my session, but I had forgotten about the rural area. So I will quickly talk about the solutions for the rural areas. Utilization of forest to optimum has to be the focus.
Plus, there are many fallow lands. Usually, the shifting cultivation happens. So, using fallow lands for restoration could and flood control of that area could be another way to go about it. Using retention and detention ponds. Then public awareness and active participation in cropping pattern and land use change needs to be a focus. Retaining water through natural media by soil, vegetation cover, etc. Reducing sediments and silt, creating mosaic of forest in a landscape really works very well. Mosaic of forest can be very excellently administered into rural areas, and restore the rivers, her natural flood zones, her spaces. Uski jaga usko de do bas. Iske baad aur kuch main bolna nahi chahungi. I would like to stop here. Thank you very much. I hope I was not too fast, but I wanted to cover so that I can open for the question answers. Yeah. Thank you, Shailaja, and thanks very much for this compact talking as with more, you know, prescription for what to do and what not to do. Yeah, I will take 5 minutes to do a little bit of translation for many people who actually wanted to hear a bit of Hindi. So we both did the just opposite, and then we will also. My God, I'm so sorry. But that's fine. That's fine, because I was deliberately speaking Hindi, and now I have a friend who is in this platform from London who actually messaged me I should speak in English. Okay. But now I will take few minutes to just give a summary to people in Hindi, so that we can take on the questions afterwards. Is that okay. Fine with you? Absolutely fine. Okay. मैं भूल गई इन माय फ्लो एक्चुअली मैं भूल गई कि मुझे हिंदी में बात करनी है बीच में. I can totally understand that, Shailaja, trust me. I also go through these kind of things, so we are fine. Don't worry. Okay. Yeah, please go ahead. Yes. Very enlightening talk, but just to complete the process so that all people are in the same. I mean, we are on the same platform, है ना? Yeah. तो शैलजा मैम जैसे बात कर रही थी कि हर रिवर अपने आप में यूनिक है, और मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा एजुकेशन से जोड़ दूंगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जैसे यूनिफॉर्म है, हम लोग रिवर को भी यूनिफॉर्मली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वहां कहीं ना कहीं हमको चेंज करना है. तो उन्होंने एक्चुअली बात वहां से शुरू किया था कि हर रिवर यूनिक है, और उन्होंने खत्म भी बात अपनी वहां ला के छोड़ा कि पैनेसिया में हम नहीं जा सकते, एक दवाई सभी नदियों के लिए नहीं चलेगा. यहाँ से उन्होंने शुरू किया बात, और फिर उन्होंने रिवर के टाइप्स भी बताए, जिसको कि आप बाद में एक्चुअली ये जो पूरा हमारा आज का कॉन्वर्सेशन है ये पार्टी के वेब पोर्टल में रहेगा, तो मैं डिटेल में नहीं जाती, जस्ट आपको जस्ट बता देती हूँ कि क्या वो बात कर रही थी. फिर वो उन्होंने बात किया तरीके क्या है, तो इकोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है नदी का, फिर उसके प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्यूशंस. उन्होंने तीन भाग में बेसिकली बांट के अपने टॉक को हम लोग के सामने रखा. फिर काफी स्ट्रेस दिया उन्होंने मैंग्रोव्स को बचाने के लिए, और जो रिवर का पूरा सिस्टम है उसको तीन भाग में भी बांटा कि एक फ्लड प्लेन है, दूसरा बेसिकली सोर्स ऑफ द वाटर है, और फ्लड प्लेन जो है बीच में है, और उसका माउथ जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, जहाँ वो या तो दूसरी नदी से मिलती है या समंदर से जाके मिलती है. फिर उन्होंने एक वाटर लिटरेसी की बात की, जहाँ मैं काफी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उन्होंने मैं जिस एरिया पे काम करती हूँ वो भी छुआ, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और बाद में हमको रास्ता भी दिखाया कि एज इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं. तो उनका कहना है कि वाटर का बेसिकली लिटरेसी काफी कम है आम जनता में, तो ये मेरी तरफ से सवाल है उनके लिए. तो पॉलिटिकल लीडर्स को तो पहले हमको एजुकेट करना पड़ेगा, तब आम जनता पे आएंगे कि आम जनता को पहले एजुकेट करेंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स में. तो ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन है. yes. तरफ से उनके लिए यही सवाल है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ वाटर एजुकेशन, तो है ना. तो इसके बाद इसके बाद उन्होंने बात किया कि हमको रिवर का फ्लो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बेसिकली फ्लड पैटर्न भी समझ नहीं पाएंगे. यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ मेरी तरफ से कि फ्लड और ड्रॉट जो है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जहाँ फ्लड होता है वहीं ड्रॉट भी होता है. इसके लिए क्योंकि हम पानी को जमा करना हमको आना पड़ेगा. तो उन्होंने काफी सारे तरीके बताए, वेटलैंड रिजुविनेशन होना बहुत जरूरी है सिटी लेवल पे,
स्वाम्प्स होना जरूरी है, बायोस्वेल्स होना जरूरी है सिटीज पे, ये सारा सिटी लेवल पे प्लानिंग होना पड़ता है। तो उन्होंने ये सारी चीजें हम लोग को बताई। अब इसके बाद जब वो बेसिकली इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं इस पे, यहाँ पे जब आई उस पे मैं फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ सिटीजन्स मैटर पे हमको फोकस करना भी चाहिए। तो हमको स्टेक होल्डर्स को समझना चाहिए, जिसमें सिटीजन्स में बेसिकली पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, टर्शरी स्टेक होल्डर्स भी आ जाते हैं, जिसमें बाकी लोकल बॉडीज और सब आते हैं। तो डिसीशंस जहाँ पे होते हैं, तरीके दिए उन्होंने साइंटिफिक और होलिस्टिक अप्रोच कैसे कर सकते हैं, तो पॉलिसी फॉर रिवर, प्लानिंग कैसे करना चाहिए, उसका एनफोर्समेंट कैसे होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप डिटेल में उनके लेक्चर्स पे देख पाएंगे, क्योंकि मुझे जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा। फिर उन्होंने उनके डिटेल्स भी किए कि एनफोर्समेंट पॉलिसी और प्लानिंग कैसे, क्या क्या पॉइंट्स पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर सिक्योरिटी होना चाहिए, रिवर रेगुलेशन होना चाहिए, फ्लड के मैप्स हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ से वो एक्चुअली जर्नी लेके आए कि ये तो बातें हैं, हम लोग मैक्रो स्केल पे क्या होना चाहिए शहर में, इवन गांव में का भी उन्होंने डिटेल दिया लास्ट में, पर हम एज एन इंडिविजुअल अपने रिवर इंस्टीट्यूशंस को क्या ऑफर कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन और पूना के इनिशिएटिव्स और उसके अराउंड के इनिशिएटिव्स की बात किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जो उन्होंने पॉइंट रखा है कि जब तक हम रिवर के साथ इंटरैक्शन नहीं करेंगे, हम उसमें उसको बेसिकली उसमें इन्वॉल्व कैसे होंगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है देन इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो ये बात उन्होंने रखी है इसके बाद इस समय। और फिर उन्होंने टेक्निकल सॉल्यूशंस भी बताया और लोगों के साथ काम भी किया हुआ है टेक्निकल सॉल्यूशंस पे। जो छोटी छोटी चीजें बताई उन्होंने इंटरैक्शन की कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए सबसे पहले, और चूंकि हम सेलिब्रेटिंग कंट्री हैं तो हमें सेलिब्रेट करना है। अब सेलिब्रेट कैसे करना है वो एक बहुत कैच 22 सिचुएशन है, क्या सेलिब्रेट करें और क्या नहीं करें, क्योंकि सेलिब्रेट तो हम इमर्शन भी करते हैं। तो ये इस पे भी उन्होंने थोड़ा सा लाइट किया। फिर टेक्निकल आइडियाज भी दिए उन्होंने कि हम कैसे सिल्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं, इरोजन को हम कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो ट्राई किए हैं उनके सारे डिटेल्स उन्होंने दिए हुए हैं, और उनके ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स भी है वेबसाइट का, तो वो भी प्लीज आप लोग देखें। तो इवेंट्स बाय द रिवर का है, वो एनकरेज कर रही है, मोबाइल एग्जीबिशन एनकरेज कर रही है, क्लीन रिवर्स इनिशिएटिव, और वो छोटे छोटे इवेंट्स, अगर आप एक दिन योगा भी करना चाहें वहां जाके तो मुझे भी प्लीज बुला लीजिएगा, तो मैं भी करना चाहूंगी वाटर फ्रंट पे। तो जो घाट्स थे, घाट से हम रिवर फ्रंट्स पे आए हैं, ये भी एक चेंज है हमारा रिवर को देखने का। अभी देश में एक्चुअली शैलजा जी को भी मैं जस्ट बात कर रही थी, आप लोग से बात करने से पहले हम लोग ट्रायल कर रहे थे, तो देश में अभी तो 10-12 रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं साबरमती मॉडल पे, तो उसपे भी हम लोग बातें कर सकते हैं, तो सवाल अगर किसी के हो। तो उन्होंने एट सोर्स क्या हम पॉल्यूशन से बचा सकते हैं और एट इंडिविजुअल लेवल हम क्या कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने बहुत ही अच्छी बात रखी, जो कि वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है कि हमको अपना प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न चेंज करना है, जिसमें से वन ऑफ द कंपोनेंट्स है कि हम जितना से ज्यादा टॉक्सिक कंपोनेंट्स कम करें अपने कंजम्पशन और लाइफस्टाइल में, शायद हम ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड वाटर साइकिल मैनेजमेंट भी की उन्होंने बात की, वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन की बात की, सिटीज में जब बात करते हैं वाटर सेंसिटिव अर्बन डेवलपमेंट की बात की। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब एज अ सिटीजन लेवल हम वाटर लिटरेसी पे जाएंगे। फिर उन्होंने रूरल एरिया से अपनी बात को बेसिकली कंप्लीट किया, जहाँ की बायोडाइवर्स बेसिकली फॉरेस्टेशन होना चाहिए, ये शायद सभी हमको मालूम है, अगर यहाँ कोई किसान भाई है तो उनको भी मालूम होगा, बहन भी है। तो फिर हमको बेसिकली इरोजन पे बहुत सारा काम करना है, रिवर बेड इरोजन और रिवर एज इरोजन पे भी काफी काम होना चाहिए, और ये सारे सवालों का जवाब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे है। उन्होंने काफी पॉइंट्स हमको दिए हैं। मैं इस बात के साथ ही अपना समरी यहाँ पे खत्म करती हूँ, और मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन करती हूँ, पर एक्चुअली मैंने अपना क्वेश्चन रखा है, बट चूंकि मैं मॉडरेटर हूँ तो मैं इतना मीन नहीं बनना चाहती, तो मेरा सवाल तो लिटरेसी पे ही रहेगा, बीइंग अ प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट। तो मैं सबके सवाल हम ले लेते हैं, और जब आप लिटरेसी को उसमें ड्रैग करेंगे आई विल बी वेरी हैप्पी।
तो अगर किसी के सवाल है तो प्लीज पूछे और अपना अनम्यूट करने के लिए शायद माइकल हमको हेल्प करेंगे, राइट माइकल? यस डेफिनेटली, प्लीज रेज योर हैंड एंड यू मे आस्क क्वेश्चन. आई थिंक एक हार्ड रॉक एक्वा से एक सवाल है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर महानदी सैंड इशू? Actually, the problem of Mahanadi sand deposit is its source. जो tributaries उनके हैं, वो काफी सारे tributaries के ऊपर mining की activity बहुत होती है. So unless until source area के ऊपर जो भी है increasing forests या जो महानदी में sand या आती है नदी में, उसको सोर्स रीजन पे किसी भी चीज से कम करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. मैं वही बोलती हूँ कि इम्पैक्ट कहीं होता है मगर एक्चुअल रीजन उसका या वजह जो होती है वो कहीं अलग होती है. तो पहले वो वजह को ढूंढना कि क्यों आ रही है सैंड, तो फिर हम लोगों को उसका जवाब मिल जाता है. क्योंकि इधर बैठ के मैं वहां की पूरी मॉर्फोलॉजी तो नहीं जान सकती हूँ कि क्या क्या चीजें उसको इम्पैक्ट करी है, मगर जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो अगर उसका, जैसे मेरे को सरदर्द होता है तो मैं फटाक से क्रोसिन नहीं लेती हूँ, मैं सोचती हूँ 2 मिनट बैठ के कि या मैं धूप में चली गई या मैं मूवी को गई या मैं कुछ, मेरे को एसिडिटी हो सकती है या क्या वजह है, तो वो कम करने की ज्यादा आवश्यकता है. तो सैंड जो आ रही है क्यों आ रही है वो ज्यादा ठीक रहेगा पता करना. तो मैं इस पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक सवाल रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग, चूंकि अगेन ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है तो मैं बार बार ये बातें लाऊंगी, पॉलिटिक्स एंड पीपल आर वेरी मच इंटररिलेटेड. तो हमारे यहाँ जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने की एक एक्चुअली इच्छा हमेशा ही रही है, तो प्रॉब्लम हम ढूंढने जाते ही नहीं है, सॉल्यूशन हमारे पास पहले होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जल्दी रिजल्ट दिखाना जरूरी है उनके टाइम पीरियड में, ना कि उनको वो सॉल्यूशन 5 साल उनके दिख जाने चाहिए तो बेसिकली वो पूरा हो जाता है. एनवायरनमेंट ऐसे काम नहीं करता होगा शायद. बराबर. सवाल केरला से है, पैश फ्लडिंग इज बिकमिंग एन एनुअल डिजास्टर इन केरला, गिवन द कॉन्स्ट्रेंट्स व्हाट पॉलिसी, ह्यूमन बिहेवियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस नीड टू हैपन सो दैट ह्यूमंस एंड रिवर्स कैन को एग्जिस्ट इन हार्मोनी. दिस इज फ्रॉम जॉर्ज चाको. पॉलिसी के बारे में तो मैं सच्ची में आई एम वेरी बैड इकोलॉजिकली. आई कैन से कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का जो है ना, मेरे ख्याल से जो हम लोगों के ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सिस्टम थे वाटर मैनेजमेंट के, उसके ऊपर जाना सबसे जरूरी है. क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में डैम्स तो पूरे यूजलेस हो गए, क्योंकि वो सिल्टेशन से 1-2 साल में ही भर जाएंगे, नॉट इवन द स्मॉल स्केल डैम्स ऑल्सो. मगर वहां पे कुछ ग्राउंड रिचार्ज एरियाज ऊपर के ये है, और ट्रेडिशनली कन्वेंशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स जो वहां पे प्रीवेलेंट थी, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से आपको वही की सॉल्यूशन मिल जाएगी. मगर एनवायरमेंटल सॉल्यूशन कभी भी क्विक नहीं होता, जैसे मानसी जी आपने पहले ही बोला, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च डेटा सब कुछ करके वो जरूरी पड़ेगा. जी थैंक यू सो मच. बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट शी इज सेइंग इज द ट्रेडिशनल विजडम, वाटर विजडम एंड व्हिच वी हैव इन द कंट्री. राइट. The first ever, I can bring in some things for you all. The first ever mention of rainwater harvesting and water conservation in the world actually emerged in India in Chandogya, Vedanta, Vedanta ke literature mein. तो हमारे पास wisdom की कमी नहीं है, पर आज अगर हम flood और drought से बचना चाहते हैं, one of the easiest ways, क्योंकि मैं ये हर platform में पढ़ाती हूँ, तो मैं शैलजा जी के उसमें add कर देती हूँ आपके सवालों में, कि हमको जिसको हम पसंद नहीं करते हैं एक शब्द है नाला. अगर हमें नाला नहीं बचाएंगे तो नदी नहीं बच पाएगी, और अगर हम तालाब नहीं बचाएंगे तो भी नदी नहीं बच पाएगी. तो ये जो चीजें हैं, वी विल हैव टू रियली रियली मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ड्रेन्स एंड स्ट्रीम्स एंड द वेटलैंड्स. द सिटी इज फुल ऑफ वाटर बॉडीज एंड दे आर इंटरकनेक्टेड. We need to save the interconnection. Water has to flow. Important बात है कि water को flow नहीं करने दे रहे हैं. हम लोग अपने लिए बचा बचा के डैम बना रहे हैं,
हम लोग उसको तालाब में बंद कर दे रहे हैं. तालाब होता है बंद, पर उसको फ्लो होना चाहिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ब्रिंग्स बैक टू द एजेंडा ऑफ यू नो वाटर लिटरेसी. लॉट ऑफ क्वेश्चंस नाउ फ्लोइंग इन, पीपल आर गेटिंग वार्म्ड अप, चार्ज्ड. Yes, what happened with the Ganga Clean project? Like to know its progress. I think we need to have a complete new session on Ganga project. Yes, absolutely. Because and I heard a very bad news yesterday. Ask her the question. No. I just read the very bad news about ki Kanpur riverfront Ganga ke upar ka abhi on hua hai project. Actually, Ganga to itni badi nadi hai aur uski tributaries aur uski watershed itni badi hai. उसके ऊपर काम करने के बजाय पूरा एनी फॉर दैट मैटर एनी रिवर यू कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन द मेन चैनल अनलेस अंटिल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ट्रिब्यूटरी स्मॉलेस्ट नाला जो आपने पहले ही बोला उसके ऊपर मैं वापस रिपीट करूंगी स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी और नाला के ऊपर जब तक हम लोग काम नहीं करते मेन गंगा के ऊपर काम करके कुछ भी नहीं होने वाला. हाँ, चूंकि शैलजा जी ज्यादा एक्टिविस्ट मोड पे काम करती हैं और मैं ज्यादा एकेडमिक मोड पे काम करती हूँ तो हम लोग काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है आप लोग के सवालों के जवाब देने का. मैं आपको एक लीगल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट बता दूं नाले का सभी के लिए. इस देश में नाला जो है वो वेस्ट लैंड के कैटेगरी में आता है. वेस्ट लैंड मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं. ये जब तक नहीं बदलेगा और अभी मेरे इस प्लेटफॉर्म में मेरे बच्चे भी हैं और वो लोग भी काफी बार मुझसे सुनते हैं और शायद बोर भी हो जाते हैं. जब तक हम इस देश में नालों का ऑफिशियल स्टेटस पॉलिटिकल स्टेटस वेस्ट लैंड से यूजफुल लैंड पे नहीं बदलेंगे या उसको एक ऐसा नाम दे स्ट्रीम दे तब तक उसकी लीगल एंटिटी चेंज नहीं होगी. हमारा परसेप्शन चेंज नहीं होगा और हम उसको बदल नहीं पाएंगे. और ये एक ऐसा तोता है जो वो नाला है कि नदी और तालाब की लाइफ बचाने के लिए नाले नहीं बचेंगे तो ये दोनों भी नहीं बचा पा रहे हम. तो इसके लिए मैं एक थोड़ा ऐड करूंगी मानसी जी कि जो कॉमन पीपल के साथ हम लोग मराठी में जो बोलते हैं नाला ये नदी की अम्बिलिकल कॉर्ड है. हाँ, तो वो अगर रहेगी तो ही बच्चा बचने वाला है. मैं तो वो तोते का एग्जांपल देती हूँ एम्बिलिकल कॉर्ड से अगर. हाँ, तो उसको पॉलिसी में कैसे ढाना, क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस देना, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि एज गुड एज एम्बिलिकल कॉर्ड. यस, एब्सोल्युटली. आई मीन द लाइफ एक्चुअली लाइज इन देयर. I have to apologize to all people because we have to really jump between Hindi and English because we are constantly receiving message. When we speak in Hindi, we get message for English. When we speak in English, we get message for Hindi. But it's a very interesting talk ongoing. I don't know how we are going to manage the time. I need to ask our host because we have time, right, Anita? Yes, it's totally up to you. Yeah. Thank you so much. I mean, I also see the time is available there. And we have loads of questions coming in. So, I will reinstate the fact that if we really need to save water bodies at a policy level and then at a practice level, which Shalja is basically focusing on, and I will back her up with a little bit of policy things, the legal entity of water bodies have to change, okay? Water, without water, is a piece of land, and that is what is eyed by everybody to buy, especially the moment it gets into basic urban areas. The value of that land without having water in it is too much, and that is where politics comes into picture. So land grabbing ki jagah agar hum water grabbing ko bhi ab baat karne lage river mein, it will be very important. So two things I want to bring on the plate here in this discussion. On the legal entity of Nala has to change in the policy. Otherwise, we are not heading anywhere. Because waste land ko government free mein lease pe deti hai, or that's part of the politics. And people also encroach thinking that waste land is a waste land. Classic example is Jaipur ka, agar aapko yaad hoga, abhi jab jis din Rajasthan sarkar ko apna bahumat sabit karna tha, पूरे बहुमत की बस जो थी वो संसद भवन के सामने बाढ़ में जमी हुई थी. Why was that bus in the middle of the flood in Rajasthan? Just in the rains, huh?
that river which flows in Jaipur was Darbhavati River, became Sukha Nala, and then now they are doing riverfront development based on the Sabarmati model. So this is where we need to change the legal entity of Nala. Okay. So now I come to next question for you, Shailaja, because yes. How has the ROR technology of dams affected the river? And it is fair to say that they are more ecologically sustainable than reservoir dams. Are there new vulnerabilities emerging around the technology? I am not sure what ROR technology is. Okay. I am aware about reservoir dams, but if the person, because dams and this is not my forte, very frankly. I will allow the speaker to speak. Actually, the speaker is my own researcher, Run of the River. But if she wants to speak up, she may speak up. Shreya, would you like to talk? Hi, thanks, Mansi. Actually, this question came from my own research, but since I'm not somebody who works with ecology, and this is a part which I did not understand, because I did some research in the Northeast. And in the Northeast these days, the run-of-the-river technology is very popular, where they do not store the water in the long term and change the river morphology downstream. But is it like, there were new stories that would come up from the people that we would hear. For instance, the springs would go dry because they would blast a tunnel through the mountain, or it would create a lot of instability for years after the dam was built. But the narrative is still that ROR is very sustainable for the river because it releases the water every day. Now, I wanted to know, as an ecologist, whether these narratives have anything to do with the reality of it, or is it just narrative that people have built from their experience? Yes. One thing here I would like to clarify, ki agar run off the river, yes, now I understand what the technology you are meaning. See, if it is into the Himalayan rivers, probably it will work in a sustainable way. Probably. But in peninsular rivers, where the rivers go into the base flows, they are supposed to recharge the groundwater because there are evaporational losses. So surface water should be less and more should be underground. So in such cases, I don't know how the ROR technology will work ecologically. Maybe I will add to what Shailaja said, actually, Shreya. And ROR is in between the dam we used to bring, the dam, I say, D-A-M-N, dam, and between the natural flowing river. So it is in between, and if I compare it with a stagnant dam, which is regulated heavily by the politics, by the way. And like in Ahmedabad, Sabarmati, the river water is having water when there are politicians visiting the city. Okay. So it is as regulated as that when we go in that. So this run of the river is actually a better option. Because there but is the biodiversity irrigation also. It's a different canal system irrigation, which is regulated by it. But it will not be an ecological way. See, in ecological way, the flora and fauna will go into shock. Yes, it is in between. That's what I'm saying. Yeah. In between situation, better than the dams, concrete canals and all, because these are going to the streams, and it is, this is like artificial wetland construction. So right. I'll move to the next question if Shreya is fine with it. Is that okay? Yeah. Thank you so much. Yeah, thanks. There is a question. Sorry, Samir, I was not really scrolling up and I missed your question. Your question is, please guide what actions can we take if the government body is going to develop the river bank, but it's only for the public interest, but it's anti-nature. This is people, you have to call. True. Government is by the people, for the people, of the people. But I leave it to Shailaja to respond to you. तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट बता रही है वो बोल रही है कि एप्पल कितना अच्छा है जो मैं दे रहा हूँ वो एप्पल इज वेरी गुड. नाउ वी हैव टू कन्विंस इन सच अ वे हमारा डॉक्यूमेंट डेटा एंड दैट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट वी नीड टू मेक श्योर टू स्पीक टू द पीपल कॉमन पीपल दैट दिस एप्पल इज रॉटन एंड द ऑरेंज इज गुड फॉर योर हेल्थ.
Or this apple is coated, coated with concrete. Whatever. Yes, coated with it's wax. A coated concrete. Yes. Actually, Shailaja, it was my first time shock of my life when I had an apple in Delhi, a very early career, and it was actually literally coated. And inside yes, it was rotten. It gets wax coated. This is so politics. So basically, we need to make people aware that currently it's the same campaign we are running here in Pune, because we have a constant threat of riverfront development because we have three rivers in Pune. And as I told you, there are four types of floods. The embankment along the riverfront, because of the riverfront, are not going to suffice or control the floods, nor they are going to, all of this. So we are trying to prove that apple is rotten and orange is good for Pune. Interesting, and that brings me to the question from Anurag David, who is asking how awareness steps. Awareness steps. How will implement? Anyway, the question is basically how to implement awareness programs, and I think Shailaja is leading us with all the examples, huh? Yes. So I hope you attended her session when you asked this question, which city you are from. And Shailaja can give few more tips if she has she really wants to re-answer your yes mere khayal se you just have to pick the nerve of the place. Jaise Pune ke liye hum logon ne dekha ki Pune mein cultural ke bare mein jyada pride hai. So culture, then history, because there are lot of historical and heritage values to Pune city. बस हम लोगों ने उसको पहले पकड़ा और उसके ऊपर स्टोरी बिल्डअप करना चालू किया कि बिकॉज रिवर्स आर ऑल्सो अवर नेचुरल हेरिटेज. तो कितने साल पुरानी है हमारी रिवर. सो व्हेन वी यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन वी स्टार्टेड विथ यू नो सिंपल क्वेश्चन हाउ ओल्ड इज अवर रिवर. नोबडी नोज अबाउट इट. तो उसके ऊपर स्टोरी एंड इट इज आल्सो फॉर फ्यूचर. इट्स द आई मीन वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द रिलेशन. एंड सो यू स्टार्ट क्रिएटिंग सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. यू हैव टू क्रिएट स्टोरीज इफ यू हैव टू कनेक्ट पीपल विद द अवेयरनेस कैंपेन व्हिच यू आर लीडिंग विद. I want to bring here this very important point that we often say that government is doing that. We need to understand who is this government and what is politics and where people come into picture. The power is in the hands of the people. If people are actually electing A or B kind of government, it is their responsibility to steer the government like that. So unless and until youngsters are taking very active involvement in politics, we are also not heading anywhere. Unless and until more women are actively involving in politics, sustainability is not going to be the talk. I'm sorry to say, but at this moment, all over the world, the politics and decision making is very masculine nature. Whether it is woman doing or man doing, and it is very much development oriented and less environment oriented, even though we have a sustainable development goals for the entire world. And did you really see the news? It was last week that none of the sustainable goals has been achieved by the world of the 17 sustainable goals, which were set by all the politicians and all the world leaders for 2030. So 2020 target is not achieved by all of us in the run for development. I see Kedarnath has a question and Michael is asking both of us. Mom, Kedarnath has a question. So okay. I will give Kedar to speak because he is our common friend. So Kedar, would you like to go? Yes, I think hello Shailaja and hello Mansi. I think, see the issue which is there and dealing with rivers in Mumbai or in urban areas, a couple of projects within the smart cities. I think we started promoting what we said, deconcretization and naturalization of rivers. And we do not have contour mapping of cities when we start to our land use planning. Whatever Mansi was saying, whatever is a scrap, you know, non-usable land becomes a place where you can develop. As say in Mumbai, all the natural water bodies have the number of slums. If you map it along, in any natural body, you will find a lot of trees and greenery and those kind of things. All along the water bodies, what do you find? You find slums. So what we have done is, one suggestion is,
when we deal in case of urban areas, the development plan should be preceded by, because you have technologies, you have everything possible, have a proper contour mapping outline that this area shall not be touched. So these are natural water bodies or natural green and blue network. That is what we did a project on water sensitive cities for Amravati. So we suggested it. Of course, the project is scrapped now. I'm not sure. But can we do that? Politics. Scrapped or running is again politics. Because we are in a political platform, I am bringing it again, back and again, because people make the politics. Yes, yes, yes. So what we need to do is, one is we start shifting from the typical land use planning to say that we need nature, we need, and pandemic has shown that, you know, animals have started coming and everything. So what we could do is contour mapping, preceded by land use planning, retain the natural assets because they are our heritage. Then deconcretization has to be there, and no thoughts about it, second thoughts, and naturalization. And I think we will be able to regenerate our water bodies, will be proper, and then we can take it further. That's the only suggestion. I think Kedarnath, there is one more thing which needs to be added. लैंड यूज प्लानिंग के पहले लैंड यूज चेंज कौन करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट. उसको पहले उसका काम पहले कम करो ना. उसके लिए उसके ऊपर ज्यादा लैंड यूज चेंज ही सबका कल्प्रिट है. हाँ, तो इसलिए कंट्रोल प्लानिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान में आएगा मैं व्हाट एम आई डूइंग. कुछ नहीं होता. हिल टॉप हिल स्लोप्स भी रेगुलराइज हो जाते हैं. Achha. And that's only because the culprit is revenue department. Yes. I think it boils down to people, Shailaja, because there is a demand. Yes. At the middle class and the elites in the country has to start questioning themselves whether they should have second home, third home, fourth home. Please go and look at the sustainable development goal on responsible consumption and production. My favorite goal, by the way. And nobody has worked also on this goal. People are working on water, people are working on land, but that sustainable development goal is not touched upon, because what we do not realize, no matter how much we save river, unless and until we change our lifestyle with so much of consumption, we are not heading anywhere. Questions are pouring in here, let me tell you, Shailaja. Excellent. Yes. I want to really apologize to many people who are raising questions that I'm unable to reach out to your question and ask to Shailaja, because we want to have a little bit relaxed conversation. We will throw the questions to Shailaja's inbox and she will take her leisure time to answer. I will reply in email. Yes, yes, please do that. Which was earlier way when I was a speaker, I it was done like that, because it will be difficult to address to all the questions. I need to ask our host if we have room for one question or two question now, because I want to ask a question related to politics to end on the session, so that people realize that there is no point blaming the government all the time, and it is time that we take the responsibility and charge, and that is exactly what she was trying to show. So is Anita, how are we doing in time? Yeah, so can we make it can we wind up till 4:20? Absolutely. So my question is already thrown to there, which is from Hard Rock and few more people. Take measures to bridge the gap between policies and sustainable development goals. How do we change the politics in India where people are looking at the color of the flag or color of the political parties than actually the what is their content in the, you know, in the political party's agenda? Especially all over the world, environmental parties are there, but they are very lesser known parties, you know, including our model country like US, where they don't even manage to get one seat. How do we change people's behavior to look at the political manifesto from the environmental perspective? I think I really don't know the answer about it, because I have also been dwelling on this. But if we take the example of Bhutan, our neighbor, basically, whatever MLAs and all political leaders who enter, they are supposed to have an environmental class first before they start doing anything, into their offices, the work.
that is a mandatory thing. So again, we come back to the policy, as like you said, chicken and egg. Environmental education needs to do to be done there. We started here doing it on a smaller way in Pune, where we made that we had river walk for all administrative officers for Pune Municipal Corporation, where there was a good municipal commissioner came who was really keen. Obviously, such commissioners get transferred very fast. I have still not understood in a policy why the municipal corporations and municipal councils officers do not get transferred. They are there for years together, 8 years, 10 years, 12 years. Political party may come and go. But the this is not coming into the creating the constitutional amendment. Why they have to stay? Because they make one fraud and then they have all the options of making more and more frauds. The lower officials. So I have realized that it's just not the political parties only. It also needs, it has to be with the prashasan also. Shasan aur prashasan mein bahut sare voids hai jo constitutional isme hi amendment karna jaruri hai. Ye mujhe lagta hai. And like Bhutan like thing, unless until we do compulsory thing. Thirdly, I feel ki logon ko aise nahi hai ki they are not aware about the environmental issue or anything, but they are so stressed up with so many things, they do not know the easy process. Ki agar main dekhti hu ki kahin pe dumping chal raha hai, there is no easy go to report about this dumping happening on the river bank, because and it doesn't get through. So there is no transparency on that level also. So I really don't know how to, you know, match these things with one another and create some sort of a, I feel ki something like a monitoring system, public monitoring system for rivers, public monitoring system for something should start coming, and the pressure from the public should go on to the government. That's what I feel. Thank because you. I also do not have a clear answer or clear solution to this. Yeah, thank you so much. Can you hear me? Yes. Yeah, because my internet has had gone off for a second. No. We can hear you. Yeah. Thank you so much. And I think this whole question of people and politics needs to be understood very well. Importantly, the fact that politics and governance are two, government are two different institutions. And when we talk about politics, we end up talking about either of the institutions, and they are completely two different things. And first of all, political education is also required. So please try to be a little bit environmentally aligned. Our decisions in the society are affecting the politics. Our decisions are actually taken by the politicians. They are our representatives. So in my own governance classes, I say actually that the leaders are the reflection of the society. And I am actually trying to tell all the youth and as well as my colleagues of my age that please don't fall into that situation that hum to basically janta hai, hum kya kar sakte hain. We have to remind ourselves about the constitution. We have to remind about ourselves about the democracy, that we are the change makers. There is nobody going to come from moon or Mars to change the things. How we want to change is also depending on us, who we want to do things for us. And I think in 100 years, we need to also change this, what has come to today, government being the supreme or the provider of services. As people of this country, we need to change this whole idea. The government is the servant of the master, which is the people of this country. We cannot be in that helpless situation all the time and blaming the government. You know, both are wrong. We are not helpless. We are only either complacent or hum log actually, now I'll switch to Hindi. या तो हम बहुत ही आराम से हैं क्योंकि हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत अच्छा कंट्री है हमारा, तो हम बहुत काफी सारी हमारे पास सुविधाएं हैं, मुश्किलें कम है, और जो हमारी इम्यूनिटी कोरोना से भी दिखा रही है,
तो कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमारे नेताओं को चुनने के लिए और हमारी आवाज उनको सुनाने के लिए, तो उनके जो कान ठीक से चलते नहीं है वो हमारे कारण नहीं चलते क्योंकि हम अपने जीवन में बिजी है. तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर बिजी लाइफस्टाइल, वी हैव टू एक्चुअली बी लिटिल बिट मोर इन्वॉल्व. हमको सोचना पड़ेगा हमारी तकलीफें क्या है और हमको कैसे बदलना चाहिए. पहले तो खुद को ही बदलना पड़ेगा ना. चैरिटी बिगिंस एट होम है ना. तो इसी बात के साथ मैं आज का ये सेशन शायद कंक्लूड करना चाहूंगी. वैसे करना चाहती नहीं हूँ पर करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों के अलग अलग अपॉइंटमेंट्स हैं अभी. मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट चल रही हूँ और शैलजा जी प्लीज कॉपी द क्वेश्चंस टू मी. आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम बाय रिटर्न ईमेल. यू कैन शेयर दैट एंड यू कैन चेंज योर सेंटेंस फ्रॉम हियर. रिवर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ अस. यस थैंक यू. अगर हमारी रिवर्स गंदी है तो हम भी वैसे है इसकी वजह से है. और हमारे दिमाग से रिलेटेड है वो. एकदम परफेक्ट. दोनों जनों ने सही बात किया. मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी अपने कैमराज ऑन कर लें. सो हम लोग एक फाइनल फोटोग्राफ लेंगे जो हम लोग इंडिया ग्रीन्स पर यू नो हमारा प्रैक्टिस है. वाओ वंडरफुल. काफी सारे लोग हैं और भी सभी लोग कैमराज ऑन कर दीजिए. हाँ फोटो अच्छी है इसका ख्याल रखिएगा. कैमरा ऑन नहीं हो रहा. मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी केदार जी. यू कैन हेल्प मी टू बी ऑन वीडियो इफ यू यूजिंग अ फोन और अ लैपटॉप. लैपटॉप. ओके सो ऑन द लेफ्ट साइड यू विल बी एबल टू सी द माइक्रोफोन आइकन एंड द स्टॉप वीडियो. Yeah, you can just see that start video. Probably it might start over there. No, it is not starting. Okay, then you cannot start a video because the host has stopped it. Ah, okay, Anita ji. Sorry. One second. Okay, right. Yes. Thank you very much. Yes. Wonderful. Wonderful. So, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ पांच छह लोग हैं. राजेंद्र जी कितने लोग हैं छत्तीसगढ़ से आप लोग एक साथ. आई थिंक एक स्क्रीन पे बैठ के देख रहे हैं आप लोगों का सेशन. माइकल आप भी पिक्चर लीजिएगा. मेरा इंटरनेट कभी कभी गड़बड़ कर रहा है. जी राजेंद्र जी आप लोग कितने लोग हैं वहां से छत्तीसगढ़ से. आपका माइक्रोफोन म्यूट है. सब लोग म्यूट है. मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ बिलासपुर. हाँ तो मेरे साथ अभी चार हैं. चार लोग हैं. शांता जी के पास भी होंगे कुछ उनको भी बोलिए. वाह. तो अभी हम इस तरह का सेशन प्लान कर रहे हैं शैलजा जी और मानसी जी कि हमारे जहाँ जहाँ पे यूनिट्स हैं वहाँ पर एक स्क्रीन बड़ा लगा के 15-20 लोग एक साथ जो हैं सेशंस को अटेंड करें अवेयरनेस के लिए. और ग्रीन कैंप्स हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें इसी तरीके का हम लोग करिकुलम डालने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से इन पॉलिसीज पर काम करें और ये जो आप लोग आज डिस्कस कर रहे थे. सो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब लोग पार्टी की वेबसाइट पर जाएं और पार्टी का जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें पॉलिसीज पढ़ें और आप देखें कि आप लोग कहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रीन पॉलिटिक्स में. अनीता. यस जी. या थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू शैलजा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड thank you all the people from all over the country, including my students, my friends, and a warm regards to all of you and Shailaja, and please take care of yourself.